रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। स्टॉक प्राइस की बात करते हैं, 2625 2630 के आसपास कारोबार कर रहा है। लगभग 2 से 3% की गिरावट है आज, लगभग 2 से 3% की गिरावट है 21/10/2021 को, और इसका रिजल्ट आ रहा है, दूसरी तिमाही का रिजल्ट आ रहा है, तो उसी के बारे में डिस्कशन और चर्चा करते हैं। और अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है तो स्टॉक्स में एक तरह से गिरावट हो रही है, तो रिलायंस इंडस्ट्री का जो स्टॉक है एक तरह से हैवी वेट स्टॉक है। आज देखिए लगभग 2.5 से 3% की गिरावट है, तो निफ्टी फिफ्टी भी एक तरह से नीचे की तरफ आ रहा है। और पिछले 3 महीने में एक अच्छी रैली बनी थी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड में, जो कुछ समय के लिए ट्रेड करते हैं तो उनका एक अच्छा मुनाफा बना था, और जो लॉन्ग टर्म के लिए एक तरह से बने हैं तो स्टॉक धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा ही रहा है। और अभी कुछ समय पहले ये 3000 की बात होने लग गई थी, तो अब दूसरी तिमाही के रिजल्ट में अगर इनका रेवेन्यू बढ़ के आता है, प्रॉफिट बढ़ के आता है साल दर साल के हिसाब से, क्वार्टर टू क्वार्टर के हिसाब से, और प्रॉफिट बढ़ के आता है, डेफिनेटली स्टॉक अच्छा करेगा। बट क्या हो रहा है कि अगर रिजल्ट भी अच्छा आ रहा है तो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। अभी हम पिछले फाइनेंशियल आंकड़ों के ऊपर ध्यान देते हैं, किस तरह के इनके नंबर रहे हैं और क्या ग्रोथ रही है पिछले 2-4 साल के अंदर। एक ध्यान देने वाली बात यह कि अगर रिलायंस इंडस्ट्री गिरता है तो निफ्टी फिफ्टी में भी गिरावट होती है, और जब रिलायंस बढ़ता है, अगर और स्टॉक गिरते भी हैं तो निफ्टी ऊपर की तरफ ही रहता है। आज के दिन की बात करते हैं तो जितने भी हैवी वेट हैं आईटी सेक्टर के, देख लीजिए आप TCS, इन्फोसिस, इनमें गिरावट है, तो इसीलिए निफ्टी नीचे की तरफ आ रहा है। इसका जो मार्केट कैप है दोस्तों वो है इस वक्त 16,92,797 करोड़ का है। आज तक का फेस वैल्यू 10 रुपये का है, बुक वैल्यू पर शेयर 1,240 का है, और EPS की बात करते हैं लगभग 74-75 का है। अगर हम इसका प्राइस परफॉर्मेंस की बात कर ले तो पिछले 3 महीने में जबरदस्त रिटर्न मिला है, और 1 साल का रिटर्न है 23% का, 3 साल का रिटर्न है दोस्तों 140% का। तो जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रिलायंस इंडस्ट्री को अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो अच्छा रिटर्न मिला। पिछले साल के अनुसार अगर हम देखते हैं तो जिन्होंने 1000 में खरीदा, 1200 में खरीदा, तो आज के दिन भी उनका एक तरह से दुगना रिटर्न मिल रहा है दोस्तों। रेवेन्यू की बात करते हैं तो 4,66,924 करोड़ का हुआ है 2021 में, और 2020 में 5,97,535 करोड़ का था, और उससे पहले 2017 से एक तरह से लगातार बढ़ा है 2020 तक। बट ये है कि पिछले साल जो सिचुएशन रही थी उसमें थोड़ा बहुत इनका रेवेन्यू कम हुआ था। और प्रॉफिट की बात करते हैं तो देखिए प्रॉफिट जो रहा है 53,223 करोड़ का हुआ है 2021 में, और लगातार एक तरह से देखिए प्रॉफिट ऊपर की तरफ ही गया। 2020 में तो देखिए 39,773 करोड़ का था, और 2021 में 53,223 करोड़ का है। EPS की बात करते हैं तो इस वक्त लगभग 76 का है, और 2020 में 63 का था, तो 2018 से तो लगातार बढ़ रहा है, बट 2017 में 101 का था दोस्तों। रिलायंस की बात करते हैं तो एक तरह से हैवी वेट स्टॉक है, और तो हैवी वेट स्टॉक है, जब इसमें गिरावट होती है तो निफ्टी फिफ्टी में थोड़ी गिरावट दिखती है, और जब इसमें तेजी होती है तो निफ्टी फिफ्टी भी देखिए हमें ऊपर की तरफ ही रहता है। और स्टॉक अगर गिरते हैं हैवी वेट, जैसे कि और सेक्टर के भी शेयर गिरते हैं, अगर रिलायंस में तेजी होती है तो निफ्टी में ज़्यादा गिरावट नहीं होती दोस्तों, ये ध्यान देने वाली बात है। और एक तरह से पोर्टफोलियो वाला स्टॉक है, रिजल्ट आ रहा है इसका 22/10/2021 को, दूसरी तिमाही का, तो थोड़ी बहुत इसमें हलचल बढ़ सकती है जो कुछ समय के लिए ट्रेड कर रहे हैं। तो एक नज़र चार्ट पैटर्न के अनुसार बात कर लेते हैं दोस्तों। अब शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं, डेली कैंडल से लगे हैं, और रिलायंस देखिए लॉन्ग टर्म में अगर बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो अप ट्रेंड में बना हुआ स्टॉक, थोड़ी बहुत इसमें हर तिमाही थोड़ी बहुत गिरावट भी आती है, और एक तरह से स्टॉक देखिए पिछले कुछ समय से इस क्वार्टर में 27 इस क्वार्टर की बात करते हैं तो 29/7/2021 को इसका जो प्राइस था 2,045 रुपया था, और बढ़ के देखिए एक तरह से ज़बरदस्त इसमें तेजी रही ऊपर की तरफ गया, ये लगभग 2,742 तक, तो थोड़ी बहुत एक तरह से मुनाफा वसूली हो रही है इसमें। और जैसे कि आज का कैंडल भी देखते हैं तो देखिए ये एक तरह से देखिए बेयरिश कैंडल बना हुआ है, ओपन देखिए ऊपर की तरफ हुआ है 2,400 ओपन देखिए ऊपर की तरफ हुआ है 2,724 रुपये में ओपन हुआ है, हाई भी 2,725 रुपये बना है, तो 2,600 के आसपास इस क्लोजिंग आती है तो इसमें और गिरावट की संभावना रह सकती है। अब जो कुछ समय के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो थोड़ा सा उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, जो मीन्स 5, 10 दिन या 20 दिन के लिए कर रहे हैं तो उनको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर रिजल्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है तो इसका जो एक तरह से रेजिस्टेंस रहेगा ऊपर की तरफ से 2700 का रहेगा, अगर 2700 के ऊपर अगर ट्रेड करने लग जाएगा तो अपने 52 के हाई को ब्रेक करेगा। बट क्या है कि स्टॉक बहुत तेज़ी से बढ़ा है पिछले 1-2 महीने के अंदर, देखते हैं जैसे अगस्त में नीचे की तरफ था तो अच्छा एक तेज हुआ है, तो मुनाफा वसूली हो रही है दोस्तों। ये
अगर स्टॉक नीचे की तरफ आता है, लगभग मान के चले कि 2550 या 2500 के आसपास तक आता है, तो एक तरह से देखिए इसमें बाइंग भी बहुत तेज़ी से आ जाएगी। तो रिजल्ट का इंतज़ार करना चाहिए, जो कुछ समय के लिए ट्रेड कर रहे हैं उनको स्टॉप लॉस के द्वारा कामकाज करना चाहिए, और जिनके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो अब ट्रेंड में है ही। इस क्वार्टर में अच्छी एक तेज़ी आई है, अगर 200-300 पॉइंट अगर नीचे की तरफ दिखता है तो स्टॉक देखिए फिर से बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा। तो 2600 का लेवल, और उसके बाद इसका जो लेवल रहेगा दोस्तों 2570 के आसपास से अगर नीचे की तरफ होगा तो इसमें थोड़े बहुत और गिरावट की संभावना रहेगी, और स्टॉक देखिए लगभग 2500 और 2470 2450 तक भी आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि एक अच्छी तेजी आई है तो वो प्रॉफिट बुकिंग या मुनाफा वसूली दिख सकती है। स्टॉक अगर गिरता है तो प्रॉफिट जिनको प्रॉफिट मिल रहा है तो वो भी एक तरह से बेचेंगे। तो कल रिजल्ट आ रहा है, अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट होता है, प्रॉफिट रेवेन्यू बढ़ गया तो डेफिनेट स्टॉक हम ऊपर की तरफ दिखेगा। फिलहाल चार्ट पैटर्न के अनुसार बात करें तो स्टॉक जो है बेयरिश मोड में है, और 2600 को अगर होल्ड नहीं करता है तो इसमें और गिरावट की संभावना रहेगी, और वो एक तरह से मौका होना चाहिए जिनके पास रिलायंस इंडस्ट्री नहीं है। दोस्तों YouTube चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर भी नया वीडियो लेके आएंगे, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।